आज 24 अक्टूबर 2020 को बीएमसी वायरोलॉजी लैब और एंटीजन टेस्टिंग की जो रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 44 लोगों की 44 लोगों की रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव प्राप्त हुई है। और इसके अलावा 8 लोग जिनका इलाज चल रहा था, इनको स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज ये देखने में आया है कि लगभग आधे जो हैं ये कैंट से हैं और बाकी जो हैं ये शहर के और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। डिटेल इस प्रकार हैं, पहले जो हैं 85 वर्षीय पुरुष पघारा रोड, दूसरे 58 वर्षीय पुरुष मोतीनगर, इसके अलावा फिर 73 वर्षीय महिला, 38 वर्षीय महिला, 38 वर्षीय पुरुष सागर कैंट, 16 वर्षीय बालक गोपालगंज, 51 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 43 वर्षीय पुरुष सदर पांचमहल, 6 वर्षीय बालक, 42 वर्षीय महिला, 42 वर्षीय पुरुष, 34 वर्षीय पुरुष, 24 वर्षीय पुरुष, 27 वर्षीय पुरुष, 25 वर्षीय पुरुष, 40 वर्षीय पुरुष, 44 वर्षीय पुरुष, 38 वर्षीय पुरुष, 31 वर्षीय पुरुष, 39 वर्षीय पुरुष, 59 वर्षीय पुरुष, 25 वर्षीय पुरुष, 28 वर्षीय पुरुष, 23 वर्षीय पुरुष, 24 वर्षीय पुरुष, ये सभी सागर कैंट से। इसके अलावा 24 वर्षीय महिला तिलकगंज, 25 वर्षीय पुरुष गोपालगंज, 64 वर्षीय पुरुष हाउसिंग कॉलोनी बीना, 56 वर्षीय पुरुष रविदास वार्ड, 29 वर्षीय पुरुष बाहुबली कॉलोनी, 20 वर्षीय पुरुष राजीव नगर वार्ड, 28 वर्षीय पुरुष एवं 28 वर्षीय पुरुष दो ये केसली से, 30 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष टड़ा केसली से, इसके अलावा 34 वर्षीय पुरुष टड़ा से, 26 वर्षीय पुरुष पटना बुजुर्ग रेहली, 38 वर्षीय महिला रेहली जेल, 25 वर्षीय पुरुष बीघई, 45 वर्षीय पुरुष सुभाष नगर भोपाल रोड, इसके अलावा 66 वर्षीय महिला देवरी से एवं 67 वर्षीय महिला शास्त्री वार्ड देवरी, 92 वर्षीय महिला ये गोपालगंज से और 68 वर्षीय पुरुष गढ़ाकोटा से। तो आज का यही अपडेट है। जैसा कि है अभी मैं बताते आ रहा हूँ, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए केसेस तो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन सावधानी लगातार बनी रहनी चाहिए। आपसे यही अपील है। नमस्कार।